सीमा हैदर को यूपी से निकालकर हरियाणा जेल भेजने का फैसला किया गया है। सचिन के पीछे मास्टरमाइंड पकड़ा गया। सीमा को क्या वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं या फिर उसको पाकिस्तान भेजना ही नहीं था, ना पहले और ना ही आज। सबको पता है कि सीमा हैदर केस हर गुजरते दिन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जहां पर एक औरत अपने 4 अदद बच्चों के साथ इंडिया गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके जाती है। कभी उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन अब उसके हस्बैंड ने सऊदीया से वापस आकर अब उन्होंने फैसला किया है कि मामलात को जो है देखा जाएगा। उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और उन्होंने इंडिया में जो है केस कर दिया सीमा के ऊपर। सीमा उनकी आज भी बीवी है, सीमा से उनकी तलाक हुई नहीं है। मास्टर स्ट्रोक उन्होंने ये खेला कि उनकी बहन जो है उसको भी लाइव में लेकर आ गए, जिससे ये बात साबित हो गई है कि सीमा झूठ बोल रही है, वो एक झूठी औरत है, कभी इनकी तलाक हुई ही नहीं थी। तो सीमा हैदर के खिलाफ अब घेरा तंग हो चुका है। अप्रैल उसकी आज़ादी का आखिरी महीना तस्वूर किया जाता है, उसके बाद जेल उसका इंतज़ार कर रही है। और जब वो जैसी जेल जाएगी, यकीन करें इसका जो महबूब है, जो इसका बड़ा आशिक बनता फिरता था, जिससे इसने शादी रचाई है, गैरकानूनी शादी है, इनकी शादी हो ही नहीं सकती, जिसके लिए बड़ी फड़े मार रही है कि जी हमारा तो बच्चा भी पैदा होने वाला है, वो भी इसको छोड़कर देखिएगा भागेगा और इंडियन मीडिया भी आराम से इस केस से पीछे हट जाएगा। तो अभी जेल इसका इंतज़ार कर रही है, ये आखिरी इसका महीना चल रहा है आज़ादी का। जैसे ही अदालत में मामला शुरू होंगे, इसको जो है इसकी सारी की सारी हवा निकल जाएगी। सीमा अभी तक यूपी में मौजूद होने की वजह से बची हुई थी। अब आप सोचे होंगे कि यूपी में मौजूद है तो क्यों बची हुई है, तो आपको बताती चलूं कि यूपी की जो आला सियासी शख्सियत है वो सीमा और सचिन के पीछे है। वही हम लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान से एक औरत गैर कानूनी तौर पर नेपाल जाती है, नेपाल के रास्ते एक पाकिस्तानी औरत 4 अदद बच्चों के साथ इंडिया में बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, ना इस पे सवाल उठाया गया ना उसको डिपोर्ट किया गया। तो अब जो मामला खुल के सामने आ रहे हैं वो ये है कि जी यूपी की कुछ आला शख्सियात हैं जो सीमा और सचिन के पीछे उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वहाँ पे कोई अदालती कार्रवाई हो नहीं पा रही थी सही अंदाज में। लेकिन अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक, जो कि बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही अच्छा जो है तरीके से इस केस को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने हरियाणा पुलिस में सीमा के खिलाफ एक दरख्वास्त दे दी है, जिसके बाद सीमा को मंजर से गायब होना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो पुलिस उसको पकड़ेगी, मामला आगे चलेंगे। सीमा बहुत ही शातिर औरत है, एक औरत जो अपने शौहर के पीछे हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, सारी चीज़ें बेच बचा के अपने 4 अदद बच्चों को लेकर मुल्को मुल्क होती होती बॉर्डर क्रॉस करके आप सोचें कि इंडिया पहुंचती है तो कोई वो छोटी चीज़ तो नहीं होगी, बड़ी तोप चीज़ होगी। जल्द ही गुलाम हैदर भी इंडिया आने वाले हैं और अपने बच्चे जो है अपने साथ लेकर जाएंगे, सीमा से ये बच्चे ले लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर के हवाले ये बच्चे कर दिए जाएंगे। गुलाम हैदर ने रीमा को इन्वॉल्व करके जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। रीमा आप सबको पता है कि सीमा की बहन है और ये वही बहन है जो इनकी गैर मौजूदगी में बच्चों का ख्याल रखती थी, बच्चे इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और जैसे ही आती हैं और आकर सच्चाई बताती हैं तो सबको पता चल चुका है कि सीमा एक झूठी औरत है और अब इसका मामला जो है वो टाइम टाइम फिश होने वाला है बहुत जल्दी। अब बच्चे भी सीमा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ सीमा की शादी को गैरकानूनी करार देने के लिए अदालती कार्रवाई भी जो है जारी है। 25 मई को अदालत में सबने हाजिर होना है, नोटिसेस वगैरह भेज दिए गए हैं और इनका शौहर भी गवाही देंगे, सबूत उनके पास ऐसे हैं जिससे साबित होता है कि अभी भी सीमा जो है इनकी बीवी है। और आप वो सोचें कि एक औरत शादीशुदा है, तलाक लिए बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो इन सबको जो है पकड़कर अब इनको सीधा करने का वक्त आ चुका है। इनको लगता था कि पाकिस्तान से ना कोई यहाँ पे अदालती कार्रवाई करेगा, ना ही उसका पहला शौहर जो है वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो चुप है, इंडिया की गवर्नमेंट भी चुप है, तो बड़े अजीब से मामला आते हैं। एक औरत गैरकानूनी तौर पर चली जाती है एक ऐसे मुल्क में, दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर इस तरह से कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करके जाता है गैरकानूनी तौर पर, तो उसको डिपोर्ट किया जाता है, अदालत उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन ये सारी की सारी मामला बहुत अजीब हैं, बड़ी मिस्टीरियस हैं और ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं लगती, बहुत बड़ी कहानी लगती है। देखें जी अब क्या होने वाला है। सीमा जो है अब उसको उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द उसके बच्चे मिल जाएंगे। सीमा हैदर को यूपी से निकालकर हरियाणा जेल भेजने का फैसला किया गया है। सचिन के पीछे मास्टरमाइंड पकड़ा गया। सीमा को
क्या वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं या फिर उसको पाकिस्तान भेजना ही नहीं था, ना पहले और ना ही आज। सबको पता है कि सीमा हैदर केस हर गुजरते दिन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जहां पर एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके जाती है, कभी उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन अब उसके हस्बैंड ने सऊदी से वापस आकर अब उन्होंने फैसला किया है कि मामलात को जो है देखा जाएगा। उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और उन्होंने इंडिया में जो है केस कर दिया सीमा के ऊपर। सीमा उनकी आज भी बीवी है, सीमा से उनकी तलाक हुई नहीं है। मास्टर स्ट्रोक उन्होंने ये खेला कि उनकी बहन जो है उसको भी लाइव में लेकर आ गए, जिससे ये बात साबित हो गई है कि सीमा झूठ बोल रही है, वो एक झूठी औरत है, कभी इनकी तलाक हुई ही नहीं थी। तो सीमा हैदर के खिलाफ अब घेरा तंग हो चुका है। अप्रैल उसकी आज़ादी का आखिरी महीना तस्वूर किया जाता है, उसके बाद जेल उसका इंतज़ार कर रही है। और जब वो जैसे ही जेल जाएगी, यकीन करें इसका जो महबूब है, जो इसका बड़ा आशिक बनता फिरता था, जिससे इसने शादी रचाई है, गैरकानूनी शादी है, इनकी शादी हो ही नहीं सकती, जिसके लिए बड़ी फड़े मार रही है कि जी हमारा तो बच्चा भी पैदा होने वाला है, वो भी इसको छोड़कर देखिएगा भागेगा और इंडियन मीडिया भी आराम से इस केस से पीछे हट जाएगा। तो अभी जेल इसका इंतज़ार कर रही है, ये आखिरी इसका महीना चल रहा है आज़ादी का। जैसे ही अदालत में मामला शुरू होंगे, इसको जो है इसकी सारी की सारी हवा निकल जाएगी। सीमा अभी तक यूपी में मौजूद होने की वजह से बची हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में मौजूद है तो क्यों बची हुई है, तो आपको बताती चलूँ कि यूपी की जो आला सियासी शख्सियत है वो सीमा और सचिन के पीछे है। वही हम लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान से एक औरत गैरकानूनी तौर पर नेपाल जाती है, नेपाल के रास्ते एक पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों के साथ इंडिया में बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, ना इस पर सवाल उठाया गया, ना उसको डिपोर्ट किया गया। तो अब जो मामला खुल के सामने आ रहे हैं वो ये है कि जी यूपी की कुछ आला शख्सियात हैं जो सीमा और सचिन के पीछे उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वहाँ पर कोई अदालती कार्रवाई हो नहीं पा रही थी सही अंदाज में। लेकिन अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक, जो कि बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही अच्छा जो है तरीके से इस केस को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने हरियाणा पुलिस में सीमा के खिलाफ एक दरख्वास्त दे दी है, जिसके बाद सीमा को मंजर से गायब होना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो पुलिस उसको पकड़ेगी, मामला आगे चलेंगे। सीमा बहुत ही शातिर औरत है, एक औरत जो अपने शौहर के पीछे हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, सारी चीज़ें बेच बजा के अपने 4 बच्चों को लेकर मुल्कों मुल्क होती होती बॉर्डर क्रॉस करके आप सोचें कि इंडिया पहुंचती है तो कोई वो छोटी चीज़ तो नहीं होगी, बड़ी तोप चीज़ होगी। जल्द ही गुलाम हैदर भी इंडिया आने वाले हैं और अपने बच्चे जो है अपने साथ लेकर जाएंगे, सीमा से ये बच्चे ले लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर के हवाले ये बच्चे कर दिए जाएंगे। गुलाम हैदर ने रीमा को इन्वॉल्व करके जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। रीमा आप सबको पता है कि सीमा की बहन है और ये वही बहन है जो इनकी गैर मौजूदगी में बच्चों का ख्याल रखती थी, बच्चे इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और जैसे ही आती हैं और आकर सच्चाई बताती हैं तो सबको पता चल चुका है कि सीमा एक झूठी औरत है और अब इसका मामला जो है वो टाइम टाइम फिश होने वाला बहुत जल्दी। अब बच्चे भी सीमा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, दूसरी तरफ सीमा की शादी को गैरकानूनी करार देने के लिए अदालती कार्रवाई भी जो है जारी है। 25 मई को अदालत में सबने हाजिर होना है, नोटिसेस वगैरह भेज दिए गए हैं और इनका शौहर भी गवाही देंगे, सबूत उनके पास ऐसे हैं जिससे साबित होता है कि अभी भी सीमा जो है इनकी बीवी है। और आप वो सोचें कि एक औरत शादीशुदा है, तलाक लिए बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो इन सबको जो है पकड़कर इनको सीधा करने का वक्त आ चुका है। इनको लगता था कि पाकिस्तान से ना कोई यहाँ पे अदालती कार्रवाई करेगा, ना ही उसका पहला शौहर जो है वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो चुप है, इंडिया की गवर्नमेंट भी चुप है। तो बड़े अजीब से मामले आते हैं, एक औरत गैरकानूनी तौर पर चली जाती है एक ऐसे मुल्क में, दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर इस तरह से कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करके जाता है गैरकानूनी तौर पर तो उसको डिपोर्ट किया जाता है, अदालत उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन ये सारी के सारी मामले बहुत अजीब हैं, बड़ी मिस्टीरियस हैं और ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं लगती, बहुत बड़ी कहानी लगती है। देखें जी अब क्या होने वाला है, सीमा जो है अब उसको उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द उसके बच्चे मिल जाएंगे। सीमा हैदर को यूपी से निकालकर हरियाणा जेल भेजने का फैसला किया गया है। सचिन के पीछे मास्टरमाइंड पकड़ा गया। सीमा को क्या वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं या फिर उसको पाकिस्तान भेजना ही नहीं था, ना पहले और ना ही आज। सबको पता है कि सीमा हैदर केस हर गुजरते दिन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जहां पर एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके जाती है, कभी उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन अब उसके हस्बैंड ने सऊदी से वापस आकर अब उन्होंने फैसला किया है
के मामलात को जो है देखा जाएगा, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और उन्होंने इंडिया में जो है केस कर दिया सीमा के ऊपर। सीमा उनकी आज भी बीवी है, सीमा से उनकी तलाक हुई नहीं है। मास्टर स्ट्रोक उन्होंने ये खेला कि उनकी बहन जो है उसको भी लाइव में लेकर आ गए, जिससे ये बात साबित हो गई है कि सीमा झूठ बोल रही है, वो एक झूठी औरत है, कभी इनकी तलाक हुई ही नहीं थी। तो सीमा हैदर के खिलाफ अब घेरा तंग हो चुका है। अप्रैल उसकी आज़ादी का आखिरी महीना तस्वूर किया जाता है, उसके बाद जेल उसका इंतज़ार कर रही है। और जब वो जैसी जेल जाएगी, यकीन करें इसका जो महबूब है, जो इसका बड़ा आशिक बनता फिरता था, जिससे इसने शादी रचाई है, गैरकानूनी शादी है, इनकी शादी हो ही नहीं सकती, जिसके लिए बड़ी फड़े मार रही है कि जी हमारा तो बच्चा भी पैदा होने वाला है, वो भी इसको छोड़कर देखिएगा भागेगा और इंडियन मीडिया भी आराम से इस केस से पीछे हट जाएगा। तो अभी जेल इसका इंतज़ार कर रही है, ये आखिरी इसका महीना चल रहा है आज़ादी का। जैसे ही अदालत में मामला शुरू होंगे, इसको जो है इसकी सारी की सारी हवा निकल जाएगी। सीमा अभी तक यूपी में मौजूद होने की वजह से बची हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में मौजूद है तो क्यों बची हुई है, तो आपको बताती चलूं कि यूपी की जो आला सियासी शख्सियत है वो सीमा और सचिन के पीछे है। वही हम लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान से एक औरत गैरकानूनी तौर पर नेपाल जाती है, नेपाल के रास्ते एक पाकिस्तानी औरत चार अदद बच्चों के साथ इंडिया में बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, ना इस पे सवाल उठाया गया ना उसको डिपोर्ट किया गया। तो अब जो मामला खुल के सामने आ रहे हैं वो ये है कि जी यूपी की कुछ आला शख्सियात हैं जो सीमा और सचिन के पीछे उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वहाँ पे कोई अदालती कार्रवाई हो नहीं पा रही थी सही अंदाज में। लेकिन अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक, जो कि बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही अच्छा जो है तरीके से इस केस को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने हरियाणा पुलिस में सीमा के खिलाफ एक दरख्वास्त दे दी है, जिसके बाद सीमा को मंजर से गायब होना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो पुलिस उसको पकड़ेगी, मामला आगे चलेंगे। सीमा बहुत ही शातिर औरत है, एक औरत जो अपने शौहर के पीछे हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, सारी चीज़ें बेच बजा के अपने चार अदद बच्चों को लेकर मुल्को मुल्क होती होती बॉर्डर क्रॉस करके आप सोचें कि इंडिया पहुंचती है तो कोई वो छोटी चीज़ तो नहीं होगी, बड़ी तोप चीज़ होगी। जल्दी गुलाम हैदर भी इंडिया आने वाले हैं और अपने बच्चे जो है अपने साथ लेकर जाएंगे, सीमा से ये बच्चे ले लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर के हवाले ये बच्चे कर दिए जाएंगे। गुलाम हैदर ने रीमा को इन्वॉल्व करके जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। रीमा आप सबको पता है कि सीमा की बहन है और ये वही बहन है जो इनकी गैर मौजूदगी में बच्चों का ख्याल रखती थी, बच्चे इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और जैसे ही आती हैं और आकर सच्चाई बताती हैं तो सबको पता चल चुका है कि सीमा एक झूठी औरत है और अब इसका मामला जो है वो टाइम टाइम फिश होने वाला है बहुत जल्दी। अब बच्चे भी सीमा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, दूसरी तरफ सीमा की शादी को गैरकानूनी करार देने के लिए अदालती कार्रवाई भी जो है जारी है। 25 मई को अदालत में सबने हाजिर होना है, नोटिस वगैरह भेज दिए गए हैं और इनका शौहर भी गवाही देंगे, सबूत उनके पास ऐसे हैं जिससे साबित होता है कि अभी भी सीमा जो है इनकी बीवी है। और आप वो सोचें कि एक औरत शादीशुदा है, तलाक लिए बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो इन सबको जो है पकड़कर अब इनको सीधा करने का वक्त आ चुका है। इनको लगता था कि पाकिस्तान से ना कोई यहाँ पे अदालती कार्रवाई करेगा, ना ही उसका पहला शौहर जो है वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो चुप है, इंडिया की गवर्नमेंट भी चुप है। तो बड़े अजीब से मामला आते हैं, एक औरत गैरकानूनी तौर पर चली जाती है एक ऐसे मुल्क में, दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर इस तरह से कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करके जाता है गैरकानूनी तौर पर तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, अदालत उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन ये सारी की सारी मामला बहुत अजीब हैं, बड़ी मिस्टीरियस हैं और ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं लगती, बहुत बड़ी कहानी लगती है। देखें जी अब क्या होने वाला है। सीमा जो है अब उसको उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द उसके बच्चे मिल जाएंगे।